उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंजीनियर सरवर निषाद के समर्थन में विकास के मुद्दों को लेकर जनसभा को संबोधित किया। जनपद गोरखपुर थाना चोरी चौरा के अंतर्गत रामपुर रकबा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ मैंने 5 सालों में पर्याप्त मात्रा में 24 घंटे बिजली दी और शौचालय बनवाने के लिए घर घर कार्य किए। इसके साथ साथ मैंने आवास के लिए 2 लाख रुपए तथा दीपावली होली में हर घर फ्री में गैस की व्यवस्था की। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। भाई बहनों, 5 साल पहले क्या स्थितियां थी, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी, ना किसान सुरक्षित था, ना बेटियां सुरक्षित थी, नौजवान परेशान था। 5 साल में प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाया गया। 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 364 दंगे हुए, 2012 से 17 के बीच 700 दंगे हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने किया है। यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल पहले भी मिलती थी क्या? 5 साल पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। भाई बहनों, ईद और मुहर्रम तो बिजली आएगी, और भाइयों बहनों, होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती है। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं है ना? हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। इस सपा बसपा के लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं सबका साथ लेकिन उनकी स्वयं की खानदान का विकास, यही कहते हैं ना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया, टीका कितने लोगों ने लिया? भाइयों बहनों, ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, याद रखना। अगर सपा बसपा की सरकार होती ये सारा का सारा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, किसी गरीब को नहीं मिलता। गरीब तक वैक्सीन पहुंचा है। और यही नहीं, एक तरफ फ्री में वैक्सीन और दूसरी तरफ राशन का भी दिया जा रहा है सबको, कोई भेदभाव तो नहीं है ना? और भाइयों बहनों, सरकार ने मिलता था क्या? देखो, यही है सबका साथ सबका विकास। हमने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को उनके घर में शौचालय बनाकर के दिए, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए, और 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अभी मेरा इतने एक झलक है, अभी तो तय है 10 मार्च के बाद जब फिर से सरकार बनेगी, दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर हर गरीब से भरे। बेटी की शादी में कन्यादान करना अनुदान,
अब 51,000 से बढ़कर के 1,00,000 होगा। 60 साल के ऊपर की हर महिला को परिवार निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो। पांच वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार प्लस रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी होगा। सपा के लोग परेशान है, कह रहे हैं विकास का पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा विकास की सोच होती है, विकास सात नियम से होता है। कहा विकास तो हमने ही किया, मैंने कहा लोगों को विकास किया है। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।